गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये रेड वाले स्विफ्ट का रिव्यू करने आए हम। ये भाई सिद्धार्थ भाई की अपने। और भाई कैसे हो आप? बढ़िया भाई। कैसे कैसे क्या? बिल्कुल ही गैंगस्टर लुक दे रखे गाड़ी को। गैंगस्टर वाले सारे काम ही गैंगस्टर वाले भाई। चलो भाई इसमें बताओ, काफी कुछ लगवा रखा आपने इसमें। ये अलॉयज कितने इंच के? इसके 17 इंच के। तो भाई ये कैसे लिफ्ट लग रही है मेरे को थोड़ी सी, ये क्या इसमें क्या कुछ करवा रखा आपने? क्यों भाई ऐसा क्यों समझ में नहीं आया मेरे को। लोग लोअर कराता आपने उठवा दी गाड़ी। अच्छा कितने? अच्छा इंस्पायर होके ये लगवा लिए। चलो भाई ये भी पर लग अच्छे रहे, पर इनका पेंट चिप हो रहा है थोड़ा सा। सिल्वर कलर के थे पहले? ये सिल्वर लाया था। अच्छा तो गाड़ी में ट्राई लिया था ब्लैक स्प्रे मार के। अच्छा अच्छा अब प्लान है कि अब इसको प्रॉपर ब्लैक पेंट करवाएंगे। अच्छा और बताओ भाई इसमें और क्या क्या करवा रखा आपने? फ्रंट में आप देख रहे हो हेडलाइट चेंज करवा रखी है, रियर मॉडल इसमें जो स्टॉक हेडलाइट आती वो रहती है। अच्छा टॉप मॉडल की हेडलाइट दी थी ये हमने अंदर से स्मोक ब्लैक कर रखी है। उसके बाद में इसमें आप डिमनाई कर रखी है। नीचे भाई देख सकते हो लाइट का कैसे। भाई एक बार ऑन और कर दो इसे, लाइट को थोड़ा सा दिखा दे। तो भाई देख सकते हो आप रिस्पॉन्स इसका। नीचे प्रोजेक्टर IPH के प्रोजेक्टर। अच्छा भाई देख सकते हो इसका रिस्पॉन्स। 200 वाट की LED लगी हुई है। 200 वाट की। अच्छा भाई देख सकते हो कुछ ऐसा इसका लुक आ रहा है। और भाई और क्या क्या करवा रखा है इसमें? ग्रिल RS ग्रिल। RS होने में क्या होता है? अच्छा ये उसी की है, मतलब सेम है बस वो टैग नहीं है इसमें। अच्छा और रूट्स ऑरेंज लगे हुए चार। अच्छा तो हुटर भी है इसमें मेरे ख्याल से, मैंने सुनी। हाँ चार बाल्टी है। चार बाल्टी लगवा रखी है। मैं कमाल ही कर रखा है बिल्कुल ही। और मस्टैंग वाली लुक बनाने के लिए डिजाइन नहीं भाई, वैसे काफी अच्छी लग रही है। मैंने सुना आपने बीच में मैट ब्लैक करवाई थी। किस लिए करवाई थी? आप देख पा रहे? अच्छा कैसे पसंद नहीं आया मैट ब्लैक रैप? दोनों रीजन है। अच्छा एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि लोगों ने बोला कि नहीं यार लाल ज्यादा अच्छी थी, लाल ज्यादा अच्छी थी। अच्छा नहीं वैसे मैट ब्लैक में भी काफी अच्छी लुक दे रही थी वो। मेरे को तो भाई मैं जब पसंद आई थी जब ही करवाई थी, लेकिन लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया नहीं है। अब मेरे पेज वगैरह पे देखोगे मैंने सबसे पूछा तो वो बोले नहीं लाल ज्यादा अच्छी थी। अच्छा पब्लिक के साथ है, पब्लिक ने बोल दिया लाल अच्छी थी तो वैसे 25,000-30,000 रुपए लगे थे। अच्छा चलो भाई देखो दिलदार होना चाहिए बंदा, अच्छी चीज लगे लोगों को, अच्छी लगनी चाहिए, मेन चीज तो ये है लोगों का प्यार मिला, लोगों ने बनाया। भाई भाई का इंस्टाग्राम पे पेज है, वो मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में इनका क्या पेज है, आप जाके चेक कर सकते हैं गाड़ी पे क्या क्या काम करवाया भाई ने। और बताओ भाई इसमें और क्या क्या करवा रखा है? बाकी आप डोर टोन देख पा रहे हो, आपने देखी गाड़ी लिफ्ट करवा रखी है, पीछे बहुत बेसिक सा काम करवा रखा है। अच्छा लाइट करवा रखी पूरी गाड़ी। अच्छा एक स्पॉइलर बहुत कॉमन है। कैसे ये कॉमन तो है पर ये आपने कैसे वैसे बहुत सारी टेप से चिपकवा रखा है? फिर तीनों काम करवा रखे हैं ब्रदर, क्योंकि जो म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ बहुत ज्यादा हैवी है। अच्छा तो बेस की वजह से वाइब्रेशन से हिलता है और प्लस में मेरी ड्राइविंग भी रफ है, गिरने का टूटने का खराब होने के रिस्क की वजह से। वैसे मॉडल कौन सा? अच्छा यहाँ पे लगवा रखा है स्क्रू, बैस भी फंसवा रखे है और उससे अंदर से डबल साइड टेप से भी देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रू भी है से भी है और बहुत सारी टेप से भी करवा रखा है। भाई कौन सा मॉडल है? 2023 जनवरी में ली थी और जनवरी में इतने पैसे लगा दिए गाड़ी पे। ये ली मॉडिफिकेशन के लिए थी। अच्छा अच्छा शौक पूरा करने के लिए, शौक पूरा करने के लिए। अच्छा और भाई इसमें और बताओ ये टेल लाइट्स आपने चेंज नहीं करवाई, इसकी क्या रीजन है? यूनिक करवाने का मन था ब्रदर, मैक्सिमम शूट्स में टेल लाइट चेंज। अच्छा हर टाइप की लापो टेल लाइट नहीं। हां ये तो है, ये मैंने ब्लैक करवा के इसकी लाइट की कटिंग कर दी। अच्छा ये आपने खुद करी या फिर करवाई थी? खुद मोस्टली मॉडिफिकेशन खुद ही कर रखे आपने गाड़ी में। अच्छा अच्छा और भाई ये एग्जॉस्ट के वेलोट्रॉनिक कैटबैक लगवा रखा है। अच्छा आगे से लेके पीछे तक और प्लस में ये एक्रोपॉपी की टिप लगी हुई है। अच्छा भाई देख सकते हो ये टिप भाई कार्बन फाइबर फिनिश में आई है। अच्छा भाई इसका कुछ आउटपुट सुनाओगे? सुनाओ थोड़ा, इसका जबरदस्त तो है पर सुनने में ज्यादा मजा है ना। अभी ऑफ कर रखा है ये, भाई देखो ऑफ में इतनी आवाज है। अब ऑन करो भाई,
काफी लाउड है यार ये तो। कैसे भाई, बड़ा बड़ा तरीके वाला लगवा रखा है, काफी लाउड है ये। ऑन करने के बाद तो बहुत ज्यादा। बैक तक स्ट्रेट पाइप है। अच्छा, पूरा स्ट्रेट पाइप है। जो स्विफ्ट वाली अब जो 2023 मॉडल है, तीन मफलर्स थे। अच्छा, नॉर्मली बीच में एक हांडी होती है, दो हांडी रहती है, इसमें तीन हांडी होती है। अच्छा, तीन है आगे इंजन से लेके पीछे तक पूरा स्ट्रेट पाइप। अच्छा, तो भाई इसमें कुछ परफॉर्मेंस में भी कुछ फर्क पड़ा इससे? जब मैं ऑन करके चलाता हूँ तब पिकअप में डिफरेंस है। अच्छा, एवरेज में भी बहुत है, एवरेज में बहुत ज्यादा है। तो भाई एवरेज तो देखो भाई, शौक पूरे करेंगे तो एवरेज तो जाएगी, है कि नहीं? लगा लो एक हिसाब से मिनी कूपर ही चला रहे। हाँ, तो भाई अपने स्विफ्ट मिनी कूपर जैसी लगती है, ये मिनी कूपर वाली एवरेज भी देती है। हाँ ये तो है भाई, पर भाई आपने स्विफ्ट क्यों चूज करी? और भी कई ऑप्शन थे यार, i20 पे जा सकते थे। i20 मेरे पास थी। अच्छा, पुराना वाला मॉडल, नए वाला का वेट कर रहा था, आएगा नहीं लूंगा नहीं लूंगा, जैसा उन्होंने वरना का हाल करा वैसा उन्होंने i20 का हाल किया। पहले वाले लुक ज्यादा अच्छी थी उसकी, अब वाली इतने लोगों को भी पसंद नहीं आई। फिर नहीं, इसकी थोड़ी सटल लुक है गाड़ी की, स्पोर्ट्स कार वाली लुक है इसकी। स्विफ्ट गाड़ी में एक बात फैली हुई है कि एक स्विफ्ट एक थार गाड़ी ऐसी है, आप जितना पैसा लगाओ ना उतना। हाँ ये तो है भाई। और भाई और बाहर बस यही काम करा रखे और भी कुछ भारी है? चलो भाई अंदर से दिखाओ थोड़ा इसको कैसे है। भाई अंदर चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या करवा रखा है। भाई ये हाइड्रो डिपिंग है या फिर क्या? ये रैप है ब्रदर। रैप है? अच्छा, आपने करा है? खुद ही करा भाई। सारी चीज देख लो भाई, खुद ही कर रहे हैं। ये कार्बन फाइबर सारी फिनिश आपने दी है। अच्छा भाई, देख सकते हो एम्बिएंट लाइट भी लगा रखी है इसमें, नीचे पूरा मौसम बनाने के लिए गाड़ी को बढ़िया कर रखी मॉडिफाई है, पूरी ब्लैक करके, ताकि रात को बढ़िया दोस्तों के साथ बैठे। अच्छा, चाउमीन और कोल्ड ड्रिंक पिए। हाँ हाँ, समझ गया। तो अच्छा लगे, बढ़िया फीलिंग है, थोड़ा सा अच्छी फीलिंग आया। तो भाई ये कौन सी ऑडियो यूनिट? पायनियर की है। पायनियर भाई, मोस्टली पायनियर ही चूज करते हैं। ऑडियो आउटपुट इतना जबरदस्त है, ऑडियो आउटपुट इतना है। तो भाई कैसे, कौन सा, क्या क्या लगवा रखा है इसमें ऑडियो में अपने? पहले ऑडियो सुनाते हैं। चलो सुनाओ पहले ऑडियो, सुनते फिर आपके रिव्यू आपसे पूछेंगे आपको क्या लग रहा है गाड़ी के अंदर क्या ही लगा हुआ है। चलो ठीक है भाई, पहले चलो ऑडियो आउटपुट सुनाता है आप सबको, फिर पता चलेगा क्या। भाई ये तो नेक्स्ट लेवल ही करा रखा है कुछ यार। हमने तो कई बहुत कार्स में बैठा भाई जिनने मॉडिफाई करा रखी थी, साउंड सिस्टम जिनका अच्छा था, पर भाई इसका तो कुछ नेक्स्ट लेवल ही है। क्या क्या है इसमें बताओ थोड़ा हमें। इसमें सब कुछ मिक्स लगा हुआ है, मैं किसी एक ब्रांड के पास जाके लगा, मैंने आपको बताया ना खुद लगाया सब कुछ। अच्छा, तो भाई ट्विटर कौन सी कंपनी गई है अपने? पैनासाउंड के मिड्स लगे हुए। अच्छा, बड़ी आवाज की क्लियरिटी के लिए पैनासाउंड के। और इसमें फ्रंट डोर्स में एल्पाइन के जो टॉप सीरीज के कंपोनेंट के पेयर आता है वो लगा हुआ है भाई, देख सकते हैं यहाँ पे लगे हुए। पीछे वाले दरवाजों में किकर के कोएक्सल लगे हुए हैं। अच्छा, और दो ओवल लगे हुए हैं जीटीओ के, जेबीएल जीटीओ। अच्छा, ओवल सीरीज लगी हुई है तो पीछे। इसके बाद नीचे आपको मिल जाएगा नाकामिची डबल सबवूफर, डबल कॉइल में। अच्छा, वो एक सबवूफर, सॉरी
वो एक सब वूफर आपकी 900 आरएमएस जनरेट करता है। अच्छा, तो मतलब दो है तो 1800 आरएमएस इजीली। भाई आउटपुट तो आपने सबने सुन ही लिया है बाकी भाई सारा का सारा। भाई हाँ ये तो है, अंदर तो बहुत ज्यादा भाई अलग ही हो गया था, डीजे से भी इतनी साउंड नहीं आती जितनी इसमें आ रही थी। आपका कितना खर्चा है इसमें टोटल साउंड सिस्टम में? खाली साउंड सिस्टम में मेरा ब्रदर खर्चा रखा है 180 के करीब। 1,80,000। हाँ अच्छा, तो भाई ये देख सकते हो स्विफ्ट में वैसे 180 का भी बहुत ज्यादा भाई ज्यादा ही लग रहा है, 180 से ज्यादा का ही लग रहा है। और ये तो आप जब लगा लो 180 तब आया, अगर आप यही सेटअप कहीं वैसे जाकर लगवाओ किसी आदमी से तो आपको प्लस में पड़ेगा ये। अच्छा, और ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ सकता है, वायरिंग वगैरह सारी चीज हो गई। मेरे पास मेरे पुरानी गाड़ी का भी काफी सारा सामान अवेलेबल था, जब मैंने आपको बताया मेरे पास i20 थी, काफी सारा सामान था मेरे पास ऑलरेडी। अच्छा, तो वो भी मिक्सअप होके जगह है। तो भाई देख सकते भाई आउटपुट कुछ ऐसा था गाड़ी का। और भाई इसमें और कुछ हूटर वूटर क्या क्या करवा रखा है एक बार बताओ तो। सेहर लगा हुआ है, माइक मैं आपको एक बार सुनाता बट भाई अभी माइक अवेलेबल है नहीं, पहले अच्छा, आप हूटर सुन लो। चलो हूटर सुनाओ इसका तो। हूटर तो काफी अच्छा था भाई। भाई कितने क्या करवा रखा है? बहुत लाउड हूटर था इसका तो भाई। 4 गाड़ी लगवा रखी है, यहाँ पे आगे सपोर्ट रहती है बम्पर होल्डिंग के लिए। अच्छा, सारी सपोर्ट हटवा रखी है बाल्टी की जगह। अच्छा, एक बाल्टी है, एक बाल्टी इस साइड है और एक एक बाल्टी ऊपर है। अच्छा भाई, वैसे काफी स्पेस आती है इसमें आगे, इंजन में खाली पड़ा रहता है। हाँ, इतना आगे नीचे देखो। हाँ, एक आदमी बैठ जाएगा वैसे। चलो भाई, बाकी ये कैसे तोड़ रखा है भाई, कैसे निकल गए, कहाँ पे निकल गए? अच्छा अच्छा अच्छा, चल नहीं भाई ठीक है, वैसे भी नजर लगने से बच जाता है, एक चीज होनी चाहिए। ठीक है भाई, हाँ ये तो है भाई। भाई बाकी देखो गाड़ी तो काफी अच्छी बना रखी है। भाई कितना खर्चा आ गया अब तक इसमें टोटल सारी चीज मिला के? सवा चार के आसपास लगा चुके हो। अलॉयज कितने के पड़े थे आपको? अलॉयज में सेकंड हैंड लेके आया था, खाली अलॉयज। अच्छा, सिल्वर थे। अच्छा, अच्छा तो नहीं भाई वैसे रबर अच्छी होनी चाहिए मेन चीज तो रबर। थोड़ी रफ ड्राइविंग है, वो टायर खराब हो जाती है, यूपा में टायर बेस्ट रहे मेरे पास। अच्छा भाई देख सकते हो शॉक की कीमत, वैसे भाई गाड़ी जबरदस्त लग रही है, नजर ना लगे गाड़ी को भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, लगा रखे भाई नजर, पहले ही नजर बट्टू लगा रखे, दो चोटी ठाक रखी आगे। ये कुछ गाड़ी थी अपनी सिद्धार्थ भाई की स्विफ्ट VXI 2023। तो भाई अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती है और अगर आप और वीडियोस ऐसी देखना चाहते हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।